नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं सैयद इनामुद्दीन। कहते हैं सकारात्मक सोच और हौसले बुलंद हो तो कितनी भी कठिनाइयां राह में क्यों ना आए, सफलता के रास्ते बन ही जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भागलपुर इमामपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 की। आज हमारे साथ वार्ता में मौजूद हैं इमामपुर पंचायत के उप सरपंच आजम खान। सर नमस्कार जी, आपका स्वागत है सिल्क टीवी में। सबसे जी, पहले धन्यवाद। तो आप सबसे पहले इमामपुर पंचायत से चुनाव लड़े और पहली बार चुनाव लड़े तो किस तरह का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आने वाले मकर संक्रांति और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं, अपने पूरे संपूर्ण भारतवासी और ख़ासकर इमामपुर पंचायत की जनता को हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। क्या चुनौतियां आई सर चुनाव के समय में? जी, चुनाव के समय में देखिए, पहले तो क्या है कि हम दूसरी वार्ड में थे, वार्ड नंबर 13, और हमारा वार्ड लेडीज़ हो गया, क्योंकि पहले तो हम सरपंच का ही फाइट करना चाह रहे थे, वो भी लेडीज़ हो गया था। तो फिर लोगों का ही मुझे समर्थन मिला, लोगों ने कहा, वार्ड नंबर 7 के लोगों ने भी कहा, कुछ लोगों ने कि आप हमारा वार्ड जेंट्स वार्ड से आप वहाँ पर आइए, यहाँ पर से आप लोग लड़िए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमारे वार्ड को। तो मैं दूसरी जगह गया, वहाँ पर इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ, मैं इलेक्शन जीता भी। इसके लिए मैं वार्ड नंबर 7 के लोगों का पुरजोर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे वहाँ से जिताया और भरपूर प्यार दिया। तो इस दौरान जो हुआ, जो चुनाव था सर, चुनाव में आप दूसरे जगह थे और फिर आप दूसरे पंचायत में जा करके चुनाव लड़े, तो क्या उद्देश्य क्या था इसके? नहीं, पंचायत तो हमारा एक ही था, लेकिन चूंकि वार्ड सिर्फ डिफरेंट हो गया, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं सरपंच के लिए मैं फ़ाइट करना चाह रहा था और वो महिला सीट होने के कारण मुझे रुकना पड़ा, और हमारा वार्ड भी लेडीज़ वार्ड था, इसलिए हम 7 नंबर वार्ड से लड़े जो जेंट्स वार्ड था, और लोगों के समर्थन से भरपूर प्यार से हम वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद मुझे जीत हासिल हुई। चुनाव में आपका एजेंडा क्या था? एजेंडा यही था, मेरा सबसे पहला एजेंडा बस यही है और यही आखिरी समझ लीजिए कि लोगों के साथ निस्वार्थ फैसला होना चाहिए, और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनके साथ कोई जाति होता हो, तो उसमें खुल करके उसका विरोध करना है और उनका समर्थन करना है। तो आप वार्ड नंबर 7 से पंच पद पर चुने गए, उसके बाद आपको निर्विरोध उप सरपंच बनाया गया, इसके पीछे किस तरह की राजनीति रही सर? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी वार्ड मेंबर लोग जीते, उन लोगों ने से मेरी राफ्ता जब हुई, वार्तालाप हुआ, तो सभी ने मुझे निस्वार्थ समर्थन किया, क्योंकि उन लोगों का भी ये कहना था कि आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और हम लोगों को काम करने में आगे मिलजुल कर। और मैंने अपने सभी वार्ड मेंबर से जब मैंने बात किया तो सभी का एक मत हुआ और सभी ने मुझे भरपूर प्यार के साथ नवाजा और मुझे इस मकाम पर बैठाया। कहा जाता है कि इस पंचायत चुनाव के दौरान में जब आप पंच पद पर चुने गए, जब उप सरपंच के लिए आप फाइट कर रहे थे, तो कई लोगों ने आपका विरोध भी किया था, देखिए सच्चाई है इन बातों में? देखिए, अब ये राजनीति पहला सीढ़ी है मेरा, और राजनीति में अगर विरोध नहीं हुआ तो फिर बेकार है, क्योंकि कुछ वैसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ वैसे लोग थे जो नहीं चाह रहे थे कि हम उपसरपंच बनकर आए, क्योंकि मेरा बस एक ही एजेंडा, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि मेरा यही एजेंडा है कि गलत को रोकना मेरा काम है, और अगर मेरे द्वारा भी कुछ गलत आप लोगों को लगे तो आप ज़रूर मेरे पास सवाल जवाब करने आ सकते हैं। मेरा यही पहला एजेंडा, और लोगों को इस चीज़ का मेरे बहुत सारे समर्थक, चूँकि वार्ड मेंबर नहीं, वार्ड के लोग भी समर्थन में थे, मेरे समाज के लोग समर्थन में थे हर वार्ड के, और उन लोगों के समर्थन के साथ हम आगे बढ़े हैं, तभी हमको ये मकाम हासिल हुआ। और जो लोग नहीं चाह रहे थे, तो वैसे कुछ ही लोग थे, ठीक है, तो ये तो राजनीति है, इसमें तो ऐसा चलता ही रहता है। शपथ ग्रहण हो चुका है और मुखिया और वार्ड पंच सबका शपथ ग्रहण मिला जुला के कहिए कि आप लोगों का पूरा हो चुका, अब किस तरह का तालमेल है आपके पंचायत? ठीक है, तालमेल सभी का अच्छा है, और मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था और अभी भी मैं कहना चाहूँगा, हम अपने वार्ड के सभी लोगों से, अपने पंचायत के सभी लोगों से ये अपील करना चाहते हैं
और अपील करते भी हैं कि आपके पास जो भी समस्या आए आप अपने वार्ड मेंबर के पास जाएं, पहले उनको बताएं कि भाई चूंकि वो आपके वार्ड के हैं तो वो आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो आप उनको अपनी प्रॉब्लम को बताएं, अगर उनसे हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पूरी टीम को लेकर बैठेंगे वहाँ पर। जनता ने जो समर्थन दिया है, आप पर जो अटूट विश्वास दिया है, आपका अपना समर्थन दिया है, उसके लिए, उस पंचायत के उत्थान के लिए, विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं जनता के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और हक और न्याय का लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, ये वादा है मेरा। और मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कहीं पर मेरे से भी गलती हो सकती है। विकास के क्या काम होंगे सर? ये विकास का काम सर जैसा है कि हम लोगों के पास अभी तक तो मुझे नहीं मालूम ऐसा कुछ, अभी देखिए आगे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या लाती है, अभी तक तो मुझे नहीं मालूम है कि विकास के लिए कोई हमारे पास कोई फंड है सरपंच उप सरपंच या मेंबर के पास। ये मुखिया उप मुखिया वगैरह जो मेंबर होते हैं उनके पास फंड है विकास का। हमारे पास जो भी आएगा मसला वो न्याय से संबंधित होगा, विवाद से संबंधित होगा, और अगर गवर्नमेंट अगर वैसा कोई फंड हम लोगों को देगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस फंड को पूरी तरीके से इस्तेमाल करके गांव का मैं विकास करूँगा। इस 5 साल का आपको जनता ने मौका दिया है, तो 5 साल की जो कहा जा रहा है आपके बारे में, लोग कह रहे हैं, चर्चाएं हैं आपके बारे में कि आप जो है तो अपनी राजनीतिक भूमि तैयार कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक भूमि तो तैयार अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो जनता ने जो विश्वास के साथ जिस पोस्ट पर मुझे बैठाया है, मैं 5 साल तक निस्वार्थ पहले इस भूमिका को निभाऊंगा। और आने वाले समय में क्या कोई ऐसा प्लान है आपका? आने वाले समय में देखिए आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है, मैं कोशिश करता रहूंगा और जनता के लिए। मैं कभी अगर आगे चल के मुझे किसी तरीके का कोई पोस्ट नहीं भी मिला, मैं प्रतिनिधि नहीं भी रहा, हमसे जो बन पड़ेगा मैं जनता के लिए हमेशा निस्वार्थ खड़ा रहूंगा। एक चीज हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको विभिन्न सामाजिक संगठनों में देखा गया, जब शांति समिति की बैठक होती थी तो वहाँ देखते थे, आप एक समाज सेवी थे, और फिर इस राजनीति में कैसे आ गए? देखिए, समाज राजनीति में भी मेरा आने का रीजन बस यही है कि मैं समाज का ही सेवा कर सकूँ, और शांति समिति में भी मैं कई बार बैठा हूँ, और अपना NGO जो अपना फाउंडेशन है एजाज सैदना भी फाउंडेशन है, उससे उसमें भी सेवी के फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी काम होता है, और मैं खुद रहा हूँ उसमें मौजूद। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीति में अगर आए हैं तो ही हम काम कर सकते या नहीं कर सकते। राजनीति में सिर्फ आने का मकसद यही था कि मैंने कई जगह पर देखा कि लोगों के साथ अन्याय बहुत हो रहा। तो जैसे एक दो उदाहरण बता दीजिए सर। मैं अभी देखिए ये खुल के मैं नहीं बता सकता किसी के बारे में, क्योंकि कुछ मामले को पोशीदा रखना चाहिए, लेकिन मैं आया हूँ सिर्फ इसलिए कि ईमानदारी से काम हो सके और लोगों के साथ न्याय हो सके, इसलिए मैं आया हूँ। चलते चलते हम आपसे एक सवाल करेंगे कि कोविड का समय चल रहा है, कोरोना काल है, पिछले जो लॉकडाउन पहले जो लॉकडाउन लगा था वैसी स्थिति फिर बनने जा रही है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो सकता है कि लग जाए, तो ऐसे में आप अपने पंचायत के लोगों से और पूरे देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने पंचायत के लोगों से भी और अपने पूरे भारतवासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट का लॉकडाउन जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट के गवर्नमेंट के इसको फॉलो करना, ठीक है। अब जैसे मास्क ये पूरे भारतवासियों के लिए ज़रूरी है, मास्क का आप ज़रूर उपयोग करें, सैनिटाइज़र का भी उपयोग करें, भीड़ भाड़ से बचें, जहाँ पर ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ पर आप जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब हमको 10 बजे रात तक घूरना ही है रोड पर, तो उस सब चीज़ से बचना, चूँकि आपको सिर्फ आपकी एक जान नहीं, आपके साथ आपके पूरे परिवार की जान जुटी होती है। तो कोशिश ये करना हम लोगों को, और मैं अपील इसलिए खास कर करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि आप लोग अपने अपने परिवार को देखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने परिवार के साथ बिताएं, और जो ज़रूरत हो उतना ही देर के लिए आप बाहर जाएं। आज भी सर टीका को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में, कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति देखी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, टीके के बारे में तो ऐसा कोई बात नहीं है, भ्रम भी नहीं है, क्योंकि टीका ले रहे हैं मुस्लिम लोग भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टीका लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये किया है तो
किसी के लिए ऐसा नहीं कि किसी एक जाति या किसी एक समुदाय के लिए ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, ये पूरे देश के लिए फ़ायदा है और हम सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है और हम लोगों को इससे, इस बीमारी से उभरने के लिए हम लोग को सभी को एक साथ आके यहाँ पर लड़ना होगा। चलते चलते अंतिम में हम एक सवाल आपसे और करेंगे कि अपनी पंचायत, आपका जो पंचायत है जहाँ से आप निर्वाचित हुए हैं, जनता ने आपको चुना है, उनसे क्या वादा करेंगे संक्षेप में? बिल्कुल, उनसे वादा मैं यही करूँगा अपने पंचायत के जनता से कि आपके पास कोई भी ऐसा मसला हो, आप बेझिझक हमारे पास आए और मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा कि आपका काम निस्वार्थ हो और कोई पक्षपात ना हो, ये मेरा एजेंडा रहेगा। पक्षपात मैं नहीं करूँगा, अगर मेरे पास कोई मसला आता है तो, या आपके साथ कोई पक्षपात करता है, उसकी शिकायत आप मेरे पास बेझिझक लेकर आएँ। तो ये थे इमामपुर पंचायत के उप सरपंच, जिन्होंने जनता से वादा किया है कि कोई भी आपके पास अगर समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो वो बेझिझक इनके पास जा सकते हैं और वे इनकी समस्या का समाधान करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो इमामपुर पंचायत की जनता है उनको इसका सहयोग मिलेगा